हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DRDO के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट, इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 69 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 68 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से। अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे, इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वाले वीडियो में उस टॉपिक से लिया गया है जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और मैंने GK और GS का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को मैं नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एक ये भी फायदा हो जाएगा, यानी कि आइडिया मिल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर जो पेपर जो होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम्स में, यानी कि आपके ट्रेड से रिलेटेड जितने भी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अगर उस टॉपिक से पूछा जाए तो आप इजीली बना सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, इसीलिए जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप अच्छे से बना लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अच्छी कपलिंग के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि ओवरलोड से रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये नोएडा मेट्रो मेंटेनर फीटर 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अच्छी कपलिंग के लिए ओवरलोड से रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। कपलिंग शाफ्ट के पूरे आघूर्ण को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, EI यानी कि एकार्ट इन्फेरियर का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, यानी कि शाफ्ट का निम्नतर विचलन। अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम में और कब कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये फ्रेंड्स दो एग्जाम से पूछा गया है। एक तो सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया प्रश्न है और CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि ये दो एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा भी हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में ये रिपीट हो जाए। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारतीय स्टैंडर्ड यानी BIS के संकेत चिन्ह EI यानी कि एकॉर्ट इन्फेरियर का अर्थ शाफ्ट का निम्नतर विचलन यानी कि लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, होल बेसिस प्रणाली में कौन से प्रकार के सुराखों का निम्नतर विचलन शून्य होता है यानी जीरो होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C यानी कि H। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB गोरखपुर ALP 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे होल बेसिस प्रणाली में कैपिटल H प्रकार के सुराखों का निम्नतर विचलन शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शाफ्ट बेसिस प्रणाली में
कौन से प्रकार के शाफ्ट का उच्चतर विचलन शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्मॉल एच। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शाफ्ट बेसिस सिस्टम में स्मॉल एच प्रकार के शाफ्ट का उच्चतर विचलन शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चाकू किनारा रेती का अनुप्रस्थ काट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रायंगल, यानी कि त्रिकोण। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2020 में पूछा गया वो प्रश्न है, यानी कि ये ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चाकू धार रेती का अनुप्रस्थ काट त्रिभुज यानी कि त्रिकोण होता है। अगला इसका पॉइंट है, इसका बारीक किनारा 10 डिग्री टेपर पर बना होता है। इसका अगला पॉइंट है, यह रेती चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। अगला इसका पॉइंट है, इसका प्रयोग अति संकीर्ण यानी कि नैरो स्थानों पर रेताई करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइल के हिस्से हैं जो हैंडल में फिट बैठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टैंग। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वह प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टैंग रेती का वह भाग है जिस पर हैंडल को चढ़ाया जाता है, यह पूरी रेती का नरम भाग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी सामग्री उद्दंत रेती से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वुड, यानी कि कास्ट। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये सेल फीटर 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेस्प कट रेती के फलक पर दाते दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए तथा चमड़े की वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नरम धातु की फाइलिंग करते समय फाइल दांत धातु के छोटे कणों में जम जाते हैं। फाइल को इससे साफ किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूजिंग फाइल कार्ड, यानी कि फाइल कार्ड का प्रयोग करके। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नरम धातु की फाइलिंग करते समय फाइल के दांतों में धातु के छोटे कण जम जाते हैं, तो फाइल को फाइल कार्ड का प्रयोग करके साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइल रेती में कन्वेक्सिटी का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेती के फेस बीच में से उभरे हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम में और कब कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये DRDO मशीनिस्ट 2016 में पूछा गया प्रश्न है और IOF फीटर 2013 में भी पूछा गया प्रश्न है, यानी कि ये दो एग्जाम्स में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चन जो होते हैं ऐसा नहीं है कि वो DRDO में पूछ लिया गया है तो वो सेल के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, या फिर सेल के एग्जाम में पूछा गया हुआ है तो वो दूसरे किसी एग्जाम जैसे कि DMRC हुआ, यानी कि आपके ट्रेड से जितने भी सारे रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता है। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यानी रिपीट होता ही होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है अगर सभी को आप अच्छे से बना लेते हैं तो कोई सा भी अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला हो
उनमें अगर ये क्वेश्चन रिपीट अगर होता है तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। इसीलिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से बना लें, ये ना देखें कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया हुआ है, बस आप ये देखें कि वो आपके ट्रेड से रिलेटेड है या नहीं। अब आइए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती में उथलता यानी कन्वेक्सिटी का अर्थ होता है कि रेती के फेस बीच से उभरे हैं, रेतियों के फेस समतल ना बनाकर कुछ उभरे हुए बनाए जाते हैं जिसे उथलता यानी कन्वेक्सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ फाइलिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान दूर करने। अब देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB कोलकाता ALP 2006 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्रा फाइलिंग में फाइल को दोनों ओर से दोनों हाथों से पकड़कर तथा वाइस के बगल में खड़े होकर जॉब पर आगे पीछे चलाते हैं, इससे अच्छी सतह की फिनिशिंग व ऊंचे स्थान दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइल में फंसे धातु कणों को निकालने के लिए क्या प्रयोग होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फाइल कार्ड। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB भोपाल ALP 2010 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फाइल कार्ड के बारे में, तो यह एक प्रकार का ब्रूस यानी कि ब्रश होता है। फाइल कार्ड का प्रयोग फाइल में फंसे छोटे छोटे कणों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग करते समय इसे उसी दिशा में चलाना चाहिए जिस दिशा में रेती के दांते कटे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइल को टेपर में क्यों बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तंग स्थानों पर फाइलिंग के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया वह प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फाइल को टेपर इसलिए बनाया जाता है कि तंग स्थानों पर फाइलिंग करने में आसानी रहे या अच्छी से फिनिशिंग हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फाइल में पिनिंग दोष क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फाइल के दांतों में धातु के कण फंसना, यही क्या है। तो फाइल में पिनिंग दोष है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB मालदा ALP 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे पिनिंग दोष के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती द्वारा किसी कार्य को रेतते यानी कि फाइलिंग रेतते समय कभी कभी इसके द्वारा छोटे छोटे कुछ कण इसकी दांतों के बीच फंस जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं। तो पिनिंग दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक फाइल में मध्यम कट है यानी कि सेकंड कट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेट। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीडर 2018 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दांतों के ग्रेड से तात्पर्य दांतों की मोटाई से है। रेती के दांतों का ग्रेड प्रति सेंटीमीटर में बने दांतों की संख्या द्वारा दिया जाता है। कम दांते प्रति सेंटीमीटर संख्या से अभिप्राय मोटे दांतों से है। यदि दांते प्रति सेंटीमीटर संख्या अधिक है तो दांते बारीक होंगे, यानी कि पास पास में रहेंगे तो बारीक होगा और दूर दूर रहेगा तो बारीक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, खुरदरी रेती यानी कि रफ फाइल का प्रयोग कब होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए हम रफ फाइल का प्रयोग या यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये DMRC मेंटेनर फिटर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे खुरदरी रीति यानी कि रफ फाइल का प्रयोग धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। इस रेती में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह सबसे ज़्यादा मोटे दांतों की रेती होती है। यह सबसे अधिक धातु भी उतारती है। यह कठोर सतहों पर स्लिप हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फाइल के फेस के प्रथम कट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओवर कट कहते हैं। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीडर 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फाइल के फेस के प्रथम कट को ओवर कट कहते हैं। इसमें दांते सेंटर लाइन से 70 डिग्री के कोण में बने होते हैं। द्वितीय कट को अप कट कहते हैं, जो सेंटर लाइन से 51 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फाइल इससे निर्दिष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लंबाई, आकार और कट के प्रकार। और ये जो प्रश्न है ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फाइल को लंबाई, आकार और कट के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। फाइल को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, खजाना वीडियो के नाम से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी फाइल के एक किनारे पर दांते नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेफ एज फाइल। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीडर 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सेफ एज फाइल के एक किनारे पर दांते नहीं होते हैं। इसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। यह एक कटिंग औजार है। नाम से भी पता चल रहा है फाइल जिसे धातु को काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फ्लैट फाइल के दोनों किनारों पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डबल कट टीथ होता है। और ये जो प्रश्न है ये RRP बेंगलोर ALP 2007 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फ्लैट फाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके दोनों फलकों पर डबल कट दाते तथा दोनों कोरों पर इकहरे कट यानी कि सिंगल कट दाते होते हैं। यह आयताकार सेक्शन की होती है एवं 15 से 40 सेंटीमीटर तक लंबी मिलती है। इसका मुख्य उपयोग चपटी सतहों को रेतने यानी कि फाइलिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रूक्ष ग्रेड लोहा काट आरी फलक में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 14 से 18 दांते प्रति इंच होते हैं। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीडर 2016 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रूक्ष ग्रेड लोहा काट आरी फलक में 14 से 18 दांते दंत प्रति इंच काटे होते हैं जाते हैं। इस पीच का ब्लेड मुलायम धातु को आसानी से काटता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो हर एक एग्ज़ाम में आपके आएंगे ही आएंगे और ये सभी ट्रेडों के लिए है, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसमें वैसे वैसे टॉपिक को लिया गया जहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले तो इस वाले वीडियो को देखकर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।